घासफूस में ये सांप ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों किसानों ने सावधान रहना है, ऐसे समय पर ये सांप काफ़ी खतरनाक, आप देख सकते हैं कुकर। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्प मित्र आकाश जाधव YouTube चैनल। तो दोस्तों आज हम पहुँचे हैं शिंडी गाँव, यहाँ पर आप देख सकते हैं भंगार का गोडाउन है। तो आसिफ पठान इन्होंने मुझे कॉल किया था, वर्कर लोगों के एक रूम में एक सांप है, तो उस सांप को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। तो दोस्तों कैमरामैन ऋषिकेश परदेशी के साथ वीडियो में बने रहिए, जो भी सांप मिलेगा उसको रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले इसी तरह रेस्क्यू वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रूम मध्ये का अंदर का बरे? हाँ 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 हाँ, ये तो ऊपर बैठा है रसल स्वाइपर। तो ये देख सकते हैं आप रसल स्वाइपर दोस्तों, भारत का सबसे खतरनाक सांप, सबसे जहरीला सांप। और ये सांप इतना खतरनाक है कि इसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये बाइट करता है और बहुत ज़्यादा खतरा होता है इसको पकड़ने में। कुछ शायद वो निगल रहा है मेरे हिसाब से, अंदर बैटरी लगाओ। अरे दो रसल स्वाइपर, वाह वाह, दो रसल स्वाइपर, इनकी मीटिंग चल रही है इसलिए दो रसल स्वाइपर यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल सर्दी का मौसम है, ये सांप जोड़ी में निकलते हैं, जोड़ी में खेत तालाब में कुएं में घर के आसपास घर के आंगन में ईंटों में पत्थरों में ये दिखाई देते हैं, हरे भरे घास में सूखे घास फूस में ये सांप ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों किसानों ने सावधान रहना है, ऐसे समय पर ये सांप आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इन दोनों सांपों को रेस्क्यू करते हैं। हमने सोचा पहले एक सांप होगा लेकिन यहाँ पर तो दो दो सांप हैं। काफ़ी खतरनाक, आप देख सकते हैं कुकर की सीटी की तरह आवाज़ निकालने वाला ये सांप। जल्दी से मैं इसको बैग में डालता हूँ, दूसरा भाग जाएगा। इसको जल्दी से मैंने बैग में डाल दिया है और दूसरा वाला देखते कहाँ पर है, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ध्यान रखना इस पर, लाओ इधर बैटरी लाओ। हाँ यहीं पर छुपा है वो, यहीं पर ये पलंग हटेगा, ये हटेगा कि नहीं? पलंग तो फूट जाएगा, कोई बात नहीं, सब सामान इधर चलो। तो ये रहा रसल स्वाइपर, दबा दिया मैंने उसके ऊपर। ये हटाओ जल्दी, ये हटाओ, सर चलो सर 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 ठीक है ठीक है। अरे कड़ा लाओ, क्यों तमाम ध्यान ठे चौकी दे। अरे हटा नहीं सकते ना ये, अरे दोस्तों आपने देखा एक सांप मैंने रेस्क्यू किया। वैसे तो दो सांप थे, एक भाग गया, बहुत ही कठिनाई थी पकड़ने में, बहुत ज़्यादा अड़चने थी, इसलिए वो सांप भाग गया। पीछे की ओर बहुत ज़्यादा भंगार है तो उसमें वो सांप मिलना असंभव है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सांप रेस्क्यू किया है, इसको हम एक सुरक्षित जगह पर रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा शेंडी गाँव में एक भंगार की दुकान में हमने एक सांप रेस्क्यू किया था, रसल स्वाइपर स्नेक। वैसे तो दो थे, एक हाथ से छूटकर भाग गया क्योंकि वहाँ पर जगह कम थी, रेस्क्यू करने का मौका ही नहीं मिला, वो भाग गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।